फिर से हमको लगी थी भूख और कुछ नया आप लोग को दिखाना था, तो चीकू भैया ने अभी दो तीन दिन पहले सर्च करा था क्या हिंग की कचौरी। यार मतलब आलू की कचौरी तो अपन खाते रहते, हिंग की कचौरी क्या होती है यार, मैंने तो कभी नहीं खाई है। और एड्रेस एक बार आपको जल्दी से बता दूं, मालवा मिल चौराहा सबने देखा होगा, जैसे ही मालवा मिल चौराहे पे आओगे आपको सामने दिख जाएगा सुरेश के नमकीन एंड स्वीट्स। बस सुरेश के नमकीन एंड स्वीट्स पे आ जाओ, यहाँ मिलती है हिंग की कचौरी। यार कैसी है जल्दी से टेस्ट करके बताते हैं। और हिंग की कचौरी के साथ बहुत सारी चीजें भी मिलती है यहाँ पर, जैसे पोहे हो गए, जैसे आपने ग्लिम्सेस देखी ली होगी, ग्लिम्सेस तो देखी ली होगी, और मुंह में पानी आया होगा तो कमेंट जरूर करना। बिल्कुल यार, चलो जल्दी से एक्सप्लोर करते हैं कैसा है टेस्ट, तब तक बने रहिए, बिना स्किप करे देखना। जैसे कि मीर ने आपको एड्रेस समझाया, तो ये है सुरेश के नमकीन एवं स्वीट्स या मिठाइयां जो भी बोल सकते हैं अपन। तो यहाँ पर बन रही है ये कचौरी और बहुत सारी चीजें, अंदर से एक बार आपको बता देते हैं। गुलाब जामुन भी मिलते हैं यहाँ पे जैसे स्वीट्स है तो, और स्वीट्स में बहुत सारी चीज़ें मिलती है, और अंदर बैठने की भी हल्की सी व्यवस्था है, मतलब इतनी अच्छी नहीं है बट ठीक है। करंजी भी है यार यहाँ पे, मतलब या हिंदी में गुंजिया बोल लें। और मतलब स्वीट्स है तो फिर आपको बहुत सारी वैरायटी ऑफ स्वीट्स तो मिल ही जाएंगी। कचौरी पर्सनली बोलूं तो आलू की बहुत ज्यादा पसंद है, हिंग की पहली बार खाऊंगा, और कचौरी बहुत ज्यादा गर्म है। वैसे हमको तो डायरेक्ट मिल गई, बट यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको पहले टोकन कटवाना पड़ता है, तो बहुत गर्म कचौरी है यार, मतलब बट टेस्ट करके जल्दी से बता देता हूँ कैसी है। एक बहुत ज़्यादा सॉलिड हिंग का टेस्ट है इसमें, मतलब हिंग का ही टेस्ट है पूरा उसमें, पूरा जो है जैसे हिंग की कचौरी है अंदर उसमें हिंग है, और दाल की कचौरी जो रहती है वो है, और हिंग बहुत ज़्यादा है यार, मतलब दाल की कचौरी के साथ उन्होंने हिंग मिक्स करा हुआ है आप ऐसा बोलो, मतलब एक बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में हिंग है उसमें। रेटिंग मैं इसको देना चाहूँगा 5 में से 4। दुनिया का पहला आदमी है जो समोसे में प्याज डाल के खाता है। नहीं यार, मैंने बहुत पहले भी खाया है, अब ऐसा मत बोलो तुम। अच्छा, यहाँ के समोसे की स्पेशलिटी है, भैया बोल रहे थे हाँ, ये समोसे में डालते हैं वो गरम मसाला, और जो शायद हिंग वाला मसाला है वो भी ऐड है, ऐसा कुछ है। चीज ये है कि वो शक्कर नहीं डालते समोसे में, यार ये चीज अच्छी है, तो टेस्ट करके देखते समोसा कैसा है। मतलब उन्होंने दो तीन चीजें बताई है कि उसमें खड़ा मसाला और हिंग वाला मसाला भी है, तो कैसा है समोसा बताओ चीकू भैया जल्दी से। शानदार, मतलब बाकी जगहों से अलग समोसा है यहाँ पे, हल्का सा हिंग का फ्लेवर भी आ रहा है, मतलब अपन इसको हिंग वाला समोसा ही बोल सकते हैं। तो रेटिंग अगर मैं पूछूँ तो रेटिंग 4 out of 5। अभी हमने खाई हिंग की कचौरी और समोसा, तो हिंग की कचौरी में तो क्या फ्लेवर था यार। तो अभी हमारे सामने है अंकल जिनकी शॉप है सुरेश नमकीन एंड मिठाइयाँ। तो अंकल सबसे पहले तो आपका नाम? हेमराज जैन। ओके, तो आप
आपको ऐसा आइडिया कैसे आया कि यार कचौरी में कुछ हिंग का फ्लेवर लाना चाहिए? हमारे पिताजी ने क्या आया था आज से 60 साल पहले। 60 साल पहले मतलब 60 साल मतलब 60 ईयर्स पुरानी शॉप है तो। और मतलब हिंग की कचौरी, मतलब लोग सिर्फ हिंग की कचौरी के लिए अपने आते हैं तो कैसा लगता है कि यार एक मतलब अपनी इंदौर में एक अलग पहचान है कि हिंग की कचौरी है, तो कचौरी नाम से पहचान है हमारी। अगर हमको भी पर्सनली बहुत अच्छा टेस्ट लगा और आपका थैंक यू सो मच। कचौरी और समोसे खा के तो यार मज़ा ही आ गया। मतलब हिंग की कचौरी क्या तो टेस्ट है, एक बार हम आपको रिकमेंड करते हैं कि जाओ मालवा मिल पर एक बार तो खाओ यार। और अगर एड्रेस अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया तो एड्रेस एक बार और समझा दो। एड्रेस एक बार और, जैसे ही आप मालवा मिल चौराहे पे आके खड़े हो जाओगे आपको मालवा मिल चौराहे पे दूर से ही दिख जाएगा सुरेश नमकीन एंड मिठाइयां। तो यार बहुत प्यारा टेस्ट है, मज़ा आएगा। लाइक करो वीडियो को, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दिया हो तो बेल आइकन दबाओ और बस देखते रहो इंदौरी शटर। और तब तक के लिए।